अरे यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं। हाँ छमटोला नहीं है भगवान की। हेलो ओला हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे गिद्रा ब्लॉग में दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो मैं नहा धो के मतलब सैलून जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगी। तो आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है। तो अभी जो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ वो मेरे चाचा लोगों का है। जब चाचा लोग आए थे रालम इस बार, वो लोग जहाँ कीड़ा जड़े के लिए गए थे वो दूसरी जगह गए थे और हम लोग गए थे दूसरी जगह। तो जहाँ चाचा लोग गए थे उस जगह का नाम है किलातम। तो हम लोग जा नहीं पाए वहाँ पे, बट मैंने चाचा से बोला था कि आप जब जाओगे मतलब जब जाओगे तो वहाँ का जो वीडियो है वो बना के लेके आना। आप लोग ने क्या क्या किया, क्या मस्ती करी, क्या इन्जॉय किया, वो सब कुछ वीडियो बना के लेके आना। तो चाचा थोड़ा बहुत मेरे लिए वीडियो बना के लेके आए जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अभी तो मैं बस ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे, आपको समझ जाना। और आप लोगों से इतने सारी बात करने, मुझे बहुत चीज़ें बतानी है आप लोगों को और धीरे धीरे बताते होंगे। फिलहाल मैं जो व्लॉग डालूंगी अभी वो मेरे चाचा लोग का मतलब जो भी इन्होंने किया रालम में एंजॉय वो सारे इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करके बताऊंगी क्योंकि मैं तो नहीं गई थी वहाँ पे, लेकिन चाचा लोग वीडियो बना के लेके आए हैं। तो आप लोग देखना, इंजॉय करना। और जो जो आना चाहते हैं और जो जो मतलब बहुत कम आते हैं रालम, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम आते हैं, अब वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारा इसमें कुछ बता रखा है। और हमारी तो आदत है, हम तो रहते हैं ही है, पहले से रहते हैं तो हमें आदत है। जो कभी कभी आते हैं वो लोग कैसे एडजस्ट करते हैं वो सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में बता रखा है। तो चलो मिलते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, रालम जो पहली बार आता है और जो आ चुके हैं वो लोग भी पूजा पाठ जरूर करते हैं फर्स्ट टाइम जब जंगल जाते हैं। तो हमारे चाचा लोग तो वैसे जब भी छुट्टी मिलती है ये लोग आते हैं टाइम निकाल के। और ये चाचा लोग भी आए थे कीड़ा जड़ी के लिए। तो चाचा लोग जहाँ हम लोग गए थे वहाँ नहीं आए थे, और जहाँ ये लोग गए थे वो है किलातम। तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ ये जगह। और मैंने चाचा लोग से भी बोला था कि आप वीडियो बना के लेके आना, तो चाचा थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के लेके आए हैं मेरे लिए। तो चाचा लोग यहाँ पे सबसे पहले पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि इनका पहला दिन है यहाँ। तो सबसे पहले हमारे जितने भी पूर्वज हैं या हमारे इष्ट देव है, हमारे जो हंसलिंग देवता है उसकी पूजा होती है, फिर नए कर्मों की शुरुआत किया जाता है। खाली दिखा देना कैसा है। छमटोला नहीं है फॉग, देखो ये फॉग कितना फॉग लगाया है। मंजू रस्सी का लगभग 2 मिनट क्या कहते हैं 1 फीट काट हो जाएगा ना मुझे। हाँ आ जाना मुझे। पत्थर गिर रहा ऊपर से, पत्थर का आवाज सुनाई दे रहा ऊपर से, पत्थर का आवाज पर बर्फ में गिर रहा होगा। ये है लुंगरानी, लुंगरानी तो बने हम किलातम।
अरे अनार लग रहा है यार। किसी पता चल ना सीन ऐसा रहती है मस्त है। परसों तो हम चले जाएंगे कहीं देख नहीं रहा। ये कहां से आ गया इधर? अभी लड़ाई करेंगे फिर। भालू तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे टेंट चाचा लोग जहाँ गए थे वहाँ पे गांव वाले भी गए थे। तो यहाँ पे जो जितने भी टेंट हैं सब हमारे गांव वाले हैं और चाचा लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए आए थे। कीड़ाजड़ी के लिए क्या बोलूँ मैं, वो लोग ज़्यादा इंजॉय करने के लिए आए थे तो एक हफ्ता रहने के बाद वो लोग चले जाएंगे। अरे खा ले यार, और खा ले ना। ये आग जा मजा कर लिए। हाँ 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 ना मस्त आ रहा है। तुम लोग दो वो खिस्से को चलो ना यार, चलो यार कुछ नहीं होता।
हंसलिंग सरोवर इसके ऊपर जो पानी आ रही है जा रहा है तालाब है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं आज। चलो बहुत चढ़ाई हुई, यहाँ से हवाई जाना है, नजदीक लग रहा है बहुत दूर है, हम लोग आए बहुत नीचे से। हंसलिंग सरोवर की तरफ, इसके ऊपर ये पानी जो आ रहा है वहीं से आ रहा है, ये इसके ऊपर पूरा ग्लेशियर है, तालाब है, जाएंगे दूर दूर जंगल लोग। हम लोग बिल्कुल सरोवर की हाइट में, हम लोग काफी नजदीक पहुंच गए। चलो जो देख भाई, वीडियो बनना आओ जल्दी, वो थोड़ा सा ये बस पहुंच गए। ये हम लोग हंसलिंग सरोवर के काफी नजदीक है, इसके ऊपर सरोवर है, ये मैडम थक गई हूँ, जहाँ साया दिख नहीं रहा। आ जाओ पत्थर के फूल उठा गया, जय हो हंसलिंग भगवान। ये पत्थर चिपके हुए, सांस फूल रही, पत्थर भी खतरनाक है, सॉफ्ट है, लुढ़क रहे नीचे। चलो इसके ऊपर ही है हंसलिंग सरोवर, पत्थर सॉफ्ट है, ध्यान रखना। जो हाँ अब पूरा फॉग हो रहा है, शायद ऊपर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, सांस ही फूल रही है। हाँ ये कुदाल है हाथ में, चलो चलते हैं। हम लोग को हाथ से ही स्लोवर दर्शन कराते हैं, लेकिन पूरी तरह से बर्फ जमा हुआ,
सरोवर के दर्शन कराने। जमीन बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। ये पत्थर आएगा वो, हाँ देखो देखो, हाँ बस थोड़ा सा है, दर्शन होने वाले हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अरे यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं, हाँ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ तो, ये तालाब कहाँ पर? यही है ना तालाब, पूरा आहा खड़े रहते हैं वहाँ पे, हासलिंग ग्लेशियर है। यहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। देखो जो फोटो देखिए, देखो आहा तालाब ही है ये, ये पूरा बर्फ, ये जो ग्लेशियर से नीचे, हाँ असली से वो छोटा ही होगा, ये नीचे पोर्शन ही वाला बहुत बड़ा तालाब है। अरे इसी में होगा, अभी तो पूरा बर्फ हो रखा है, ये बच्चे खेल रहे हैं देखो, जय हो हसी। तो वो हासली वो तो नहीं है, वो जो ऊपर दिख रहा है वो जो नंदी और देखो भगवान ने संग बजा दिए बारिश के, और ये बच्चे भी लौट रहे हैं, और बच्चे हैं कहाँ से खेल के आ रहे हैं, तो इससे आगे वाला व्लॉग मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ आज की व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चाचा लोग को बहुत सारा प्यार देना। अभी के लिए बाय बाय, और बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।